मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सवसाहूणं अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी हैं। तेने को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति ताते काए को न माए स्तुति को चारी है। धन धन तुम ही से काज सब आज भय करी जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अपना स्वाध्याय 12 भावना एक अनुशीलन नामक इस ग्रंथ पर चल रहा है जो आदरणीय हुकुमचंद जी भारल द्वारा रचित है। इसमें कल हमने ये विषय पढ़ा था कि यहाँ पर इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य कोई हमें चिंतन करना सिखाना या फिर ध्यान करना सिखाना, उसका प्रशिक्षण देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्रियाएं तो प्रत्येक संगी पंचेंद्रिय जीव को सहज ही हो ही रही हैं, उसमें कोई सिखाने की बात नहीं है। परंतु यहाँ पर जो मूल उद्देश्य है वो है उस चिंतन की धारा का नियमन करना, नियमन अर्थात कंट्रोल करना, उस चिंतन की धारा को शूल के द्वारा, तत्व चिंतन और वैराग्य के शूल के द्वारा उसको कंट्रोल में रखना और उसको अनित्य आदि भावनाओं के चिंतन में ही लगाना, अन्य जगह नहीं लगाना। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि चिंतन और ध्यान की जो धारा है वो यदि नियमन नहीं करी गई, कंट्रोल नहीं करी गई, तो वो भवताप नाशक ना सिद्ध होकर भव भव में भटकाने का भी हेतु हो सकता है। इसलिए चिंतन की धारा को नियमन करने की बात आई यहाँ पर। फिर उसके बाद इन्हीं 12 भावनाओं का एक सामान्य सा स्वरूप हमने समझा था। इनके नाम आदि हमने पढ़े थे, जो 12 भावना के जो नाम है उसमें ये भी बताया था कि जो प्रारंभ की 6 भावनाएं हैं वो तो वैराग्य परक है और जो आगे की 6 भावनाएं हैं वो तत्व परक है। ऐसा विषय हमने कल पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर से पढ़ना है जो ये पंडित श्री दौलत राम जी, यहां से अपन को पढ़ना है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला में समागत लोक भावना संबंधी चिंतन इस संदर्भ में द्रष्टव्य है, जो इस प्रकार है। ऊपर ये एक्सप्लेन कर रहे थे इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में कि ये जो अंतिम 6 भावनाएं हैं वो किस प्रकार से तत्व परक हैं। तो वो एक लोक भावना का उदाहरण उठाकर कि दौलत राम जी ने क्या लिखा है लोक भावना के संबंध में और वो तत्व परक क्यों है, उसको सिद्ध करने के लिए ये वाला इन्होंने छंद यहाँ पे डाला है। ठीक है, तो पंडित श्री दौलत राम जी कृत 6 डाला में समागत लोक भावना संबंधी चिंतन इस संदर्भ में द्रष्टव्य है, जो इस प्रकार है। किन्हु न करो न डरे को षट द्रव्यमयी न हरे को सो लोक माही बिन समता दुख सहे जीवनित भ्रमता। इसका अर्थ अपन सबको पता ही है, नीचे दिया है। 6 द्रव्यों का समूह है स्वरूप जिसका, ऐसा यह लोक ना तो किसी ने बनाया है, ना कोई इसे धारण किए है और ना कोई इसका विनाश ही कर सकता है। इन इन तीनों वाक्यों को या फिर शब्दों को पढ़कर हमें स्पष्ट अंदेशा लगी गया कि पंडित श्री दौलत राम जी किस साइड यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। वो यहाँ पर अन्य मति जो ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा ने दुनिया बनाई, फिर विष्णु उसकी रक्षा करते हैं या फिर उसका पालन करते हैं, और जो महेश है उसका संहार करते हैं, उस ओर इन्होंने इंडिकेट किया है। इस प्रकार अनादि अनंत स्वयं प्रतिष्ठित इस लोक में यह जीव
समता के बिना भ्रमण करता हुआ अनादि काल से ही अनंत दुख उठा रहा है, ऐसा इस छंद का अर्थ है। दिव्या जी नीचे करिए। यह मतार्थ की दृष्टि से किया गया तात्विक कथन ही है, जो ऊपर ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि तत्व परक क्यों है लोक भावना। यह इसलिए है क्योंकि पंडित श्री दौलत राम जी ने भी जो विषय इसमें लिया वह जो विभिन्न मतों के द्वारा लोक माना गया है जैसा नहीं है, वैसा उन्होंने बताकर उसको एक तत्व परक बात से उसको जोड़ा। यदि अब हम ये कि विश्व ना कोई बनाता है, ना कोई उसका पालन करता है, ना ही कोई उसका विनाश कर सकता है, इस विषय को यदि और भी ज्यादा अच्छे से समझना हो तो मैं नहीं समझता कि पंडित श्री दौलत राम जी, पंडित तोड़रमल जी ने जो मोक्षमा प्रकाशक का पांचवा अधिकार लिखा और उसमें जो इस विषय का जो एक लॉजिकल और एक विस्तार से जो पॉइंट आए हैं, वो वैसा विषय शायद ही जिनागम में अन्य कहीं हमको देखने को मिलता है। क्योंकि उन्होंने एक एक बिंदु वहां का उठाकर कि लोक की कोई रचना कर ही नहीं सकता, क्योंकि यदि लोक रचना में जो भी आपका मटेरियल लगा था तो वो आपने लोक रचना के पहले कहां पे रखा था ये बताइए, तो एक एक पॉइंट को उठा उठाकर पंडित श्री टोडरमल जी ने उनकी धुलाई की। फिर उन्होंने ये भी बोला कि यदि आप विष्णु की जो कि रक्षा करते हैं, अगर हम एक बार को मान लेते हैं कि विष्णु रक्षा करते हैं, तो आप जब विष्णु की रक्षा करने के लिए पूजा करते हो तो जब महेश उसके संहार करते हैं, उससे विपरीत काम करते हैं, तो आपको तो महेश की अर्थात शंकर की आपको तो निंदा करनी चाहिए, पर आप तो भी उनकी पूजा करते हो, ऐसा क्यों? तो ऐसे एक एक बिंदु उठाकर पंडित श्री टोडरमल जी ने इस पूरे विषय को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसलिए भले ही यह पांचवा अधिकार जो है वो समाजों में नहीं चल पाता है, क्योंकि इसका विषय कुछ ऐसा है, तो वो भले ही समाज में नहीं चल पाता है, परंतु हमारे निजी स्वाध्याय में ये पांचवा अधिकार अवश्य आना चाहिए, क्योंकि इससे अन्यों से हमारी दृष्टि हटती है और हमारी जैन धर्म ही उत्तम क्यों है इस पर हमारा विश्वास अटल होता है। और पांचवा अधिकार तो मतलब ऐसे बहुमान पूर्वक भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि हमने देखें तो पंडित श्री टोडरमल जी का मृत्यु का यदि कोई मुख्य कारण था तो वो वही अधिकार था। उस अधिकार के लिखने के कारण ही पंडित श्री टोडरमल जी पर फिर वो आरोप लगे और वो सब आगे की जो कथा हुई वो सब हमको पता है। तो इस बहुमान पूर्वक भी हमें पांचवा अधिकार का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अपन आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं आरंभ की छह भावनाएं वैराग्य उत्पादक एवं अंत की छह भावनाएं तत्व परक हैं, परंतु इसे नियम के रूप में देखना ठीक ना होगा, क्योंकि यह कथन मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से किया गया कथन ही है। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यदि प्रथम छह भावनाएं हमने वैराग्य उत्पादक कही तो उनमें कोई तत्व की बात आ ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है, और जो हमने अंत की छह भावनाएं तत्व परक बताई उनमें कोई वैराग्य की बात नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन दोनों में साइमल्टेनियसली वैराग्य की बातें और तत्व की बातें आ सकती है, परंतु प्रथम जो छह भावनाएं हैं वो मुख्यतः वैराग्य उत्पादक है, इसलिए उनको वैराग्य परक कहा, और जो अंत की छह भावनाएं वो मुख्यतः तत्व परक है इसलिए उनको तत्व परक कहा, उनमें मुख्यतः गुणता की अपेक्षा से अंतर है। वैराग्य उत्पादक चिंतन से भाव भूमि के सरल हो जाने पर, तरल हो जाने पर उसमें बोया हुआ तत्व चिंतन का बीज निरर्थक नहीं जाता, उगता है, बढ़ता है, फलता भी है और अंत में पूर्णता को भी प्राप्त होता है। कठोर शुष्क भूमि में बोया गया बीज नाश को ही प्राप्त होता है, अतः जमीन को जोतने सींचने के श्रम को निरर्थक नहीं माना जा सकता। आरंभ की छह भावनाएं मुख्य रूप से भाव भूमि को जोतने एवं वैराग्य रस से सींचने का ही काम करती हैं, जो कि अत्यंत आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ यहाँ पर लिखा, यहाँ पर ये बताया कि जो ये 12 भावनाएं रूपी जो वैराग्य उत्पन्न करती हैं, ऐसा जल है, ये हमारी जो बुद्धि रूपी जमीन है इसको सींचने के काम में आता है, और जब तक वह बुद्धि रूपी जो जमीन है वो जब तक भीगेगी नहीं, तरल नहीं होगी, तब तक उस पर तत्व
और तत्व का जो भी चिंतन है उस रूपी हम बीज को नहीं बो सकते, और जब तक ऐसे जल के द्वारा उस भूमि को ना सींचा जाए तब तक वह बंजर रहेगी, कठोर रहेगी, और उस पर कोई भी बीज आप डाल दीजिए वह कभी भी फलों को नहीं देगा और कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए जिनागम को समझने के लिए, चाहे जैन धर्म की कोई भी बात हो, उसको समझने के लिए हृदय का भीगना, बुद्धि का भीगना बहुत ज्यादा जरूरी है। संजय भैया एक बात को अपने हर स्वाध्याय में कई बार कहा करते थे कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप जितना भी जैन धर्म पढ़ लीजिए, आप जितने भी शास्त्र का स्वाध्याय कर लीजिए, आप कोई भी काम कर लीजिए, परंतु यदि अंदर से परिणाम नहीं भीगे हैं तो तब तक धर्म अंदर नहीं बैठ सकता। इसलिए वो हमेशा स्वाध्याय में कहते थे कि जैन धर्म को समझने के लिए और जैन धर्म को अंदर उतारने के लिए 56 इंच का कलेजा चाहिए। तब तक मतलब अंदर से परिणामों में ऐसी एक निर्मलता आ जाए तब जाकर जैन धर्म अंदर बैठता है। मतलब सभी लोग, सभी जीवों का कल्याण की भावना अंदर उत्पन्न हो और अनित्यादि भावनाएं अंतर में उत्पन्न हो, उन्हीं रूप हमारा चिंतन चले, तब जाकर ये जैन धर्म अंदर बैठता है। पद्मनंदी पंचविंशति का के श्लोक क्रमांक श्लोक 85 श्लोक नंबर 85 में आचार्य पद्मनंदी ऐसा लिखते हैं कि यदि किसी दुर्जन को मेरे दोषों को किसी लोगों के सामने लाकर सुख उत्पन्न हो रहा है तो ठीक है भैया, आप मेरे दोषों को लोगों के सामने ले आओ। यदि किसी धन के अर्थी को, यदि किसी चोर को मेरे धन लूटने से सुख प्राप्ति हो रही है तो ठीक है भैया, आप मेरा धन लूट लो। उन्होंने यहां तक लिख दिया कि यदि किसी बैरी को यदि मेरे प्राण हरकर सुख उत्पन्न हो रहा है तो आप मेरे प्राण भी ले लो, परंतु किसी भी जीव को मेरे द्वारा एक किंचित मात्र भी दुख उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ऐसी भावना मुनियों के प्रति समय चलती है, ऐसी भावना, ऐसा पद्मनंदी पंचविंशति का में श्लोक नंबर 85 में आचार्य पद्मनंदी कह रहे हैं। तो ऐसी भावना जब तक अंदर में उत्पन्न नहीं होगी तब तक ना जैन धर्म हमारे अंदर उतरेगा, फिर तो ये 12 भावना आदि तो काफी दूर की बात है। तो इनकी इनके उतारने के लिए सबसे पहली बात है कि इनके द्वारा जो अनित्यादि भावनाएं हैं उनके द्वारा अपनी जो बुद्धि रूपी जमीन है उसका सिंचन किया जाए, क्योंकि जैन धर्म हमें इसका बहुमान इतना नहीं आता जितना बाकी के लोगों को आता है। मतलब मेरे ही जान पहचान में कई ऐसे सारे लोग हैं जिनको मतलब जैन धर्म का इतना बहुमान आता है, और वो लोग भले ही कहीं और उत्पन्न हुए हों, किसी और कास्ट में जन्म उन्होंने लिया हो, परंतु उनको अंदर से जैन धर्म की जो क्रियाएं हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं और जैन धर्म अपनाने का मन भी करता है, और भले ही उनके घर वाले कितने कुछ भी कर रहे हो परंतु वो जैन धर्म अनुरूप क्रियाएं फॉलो करते हैं। जैसे अभी मैं एक अपने ग्वालियर में ही यहाँ पर एक फ्रेंड के घर पे गया, उनकी एक बुआ है, वो बुआ बाहर से आई हुई थी ग्वालियर में, तो वो ऐसा बता नहीं थे जब हमने बताया कि हम जैन हैं और हम लोग रात में नहीं खाते हैं, हम लोग उदम बर्फ आदि नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं भी ऐसा काफी सारा फॉलो करती हूँ, वो लोग ये ऐसा बोलते हैं कि मैं 75% तो हम भी जैन ही है। और फिर वो मतलब ऐसा उनके अंदर से आता है, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, सभी लोग जैन क्यों बनना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने इतनी सारी बातें बताई कि आप लोगों का इतना अच्छा रहन सहन है, आप लोग रात में नहीं खाते हो, इसके साइंटिफिक फायदे भी हैं, इतने फायदे मतलब हमें नहीं पता होंगे, इतना बहुमान हमें नहीं होगा जितना बाकी के लोगों को है। तो ये सब बहुमान, ये अंदर परिणामों को भिगाना, ये सब तभी होगा जब इनका चिंतन हमें बार बार चलेगा, इन 12 भावना आदि का अंदर में बारम्बार घोलन चलेगा, तभी हमारे अंदर की ये जो भूमि है वह तरल होगी और इसमें तत्व रूपी बीज उग पाएगा। तो इस ये अच्छा पैरा था, अब अपन नीचे पढ़ते हैं। 12 भावनाओं के क्रम में भेद विज्ञान का क्रमिक विकास भी दृष्टिगोचर होता है, वो आगे नीचे अब वो एक्सप्लेन करेंगे। यदि आरंभ की 6 भावनाएं पर संयोगों की अस्थिरता, पृथकता एवं मलिनता का संदेश देकर अनादिकालीन परोन्मुखता समाप्त कर अंतरोन्मुख होने के लिए प्रेरित करती हैं, तो सातवीं आश्रव भावना संयोगाधीन दृष्टि से उत्पन्न होने वाले संयोगी भावों, मिथ्यात्वादी विकारों से विरक्ति उत्पन्न करती हैं, तथा
संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म भावनाएं उस निज शुद्धात्म तत्व के प्रति समर्पित होने का मार्ग प्रशस्त करती है, जिसके आश्रय से रत्नात्रय रूप संवर आदि निर्मल पर्यायें उत्पन्न होती हैं। तो इन्होंने एक क्रमिक विकास हमें समझा ही दिया कि हम बाहर से अंदर रूप आपको विरक्ति ला रहे हैं, कि पहले हमने पर संयोगों की अस्थिरता बता दी, प्रत्येकता बता दी, संसार की असारता बता दी। ऐसे सबसे पहले तो हमने जो आपसे भिन्न संयोग आपको दिखाई दे रहे हैं उन सबसे हमने आपको विरक्ति दिलवा दी। फिर हम और अंदर आए तो आश्रव भावना में हमने जो आपकी विकारी पर्याय हैं उनसे भी हमने आपकी विरक्ति उत्पन्न करवा दी। फिर हमने आपको संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ आदि धर्म भावनाओं के द्वारा निःशुद्धात्म भाव के प्रति समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार एक बाहर से हम अंदर की ओर आए, इस प्रकार का भेद विज्ञान का विकास इन 12 भावनाओं के क्रम में हमें सहज ही दिखाई देता है, और वही इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने हमको समझाया। नीचे कर लीजिए। आत्मार्थी मुमुक्षु के लिए 12 भावनाओं का चिंतन कभी कभी का नहीं, प्रतिदिन का कार्य है। अतः इस विषय पर विविध दृष्टिकोणों से हल्का भारी सभी प्रकार का चिंतन हुआ है। जहां एक और एक छंद में 12 भावनाओं का चिंतन प्रस्तुत कर दिया गया है, वो एक छंद अभी नीचे वो कहेंगे, जहां एक और एक छंद में 12 भावनाओं का चिंतन प्रस्तुत कर दिया गया है तो दूसरी ओर इनके प्रतिपादन में पूरे ग्रंथ लिख दिए गए हैं, जैसे कि कार्तिक अनुप्रेक्षा, 12 अनुरेखा आदि। आध्यात्मिक कविवर पंडित भागचंद जी ने एक छंद में 12 भावनाओं का स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया है। जग है अनित्यता में शरण न वस्तु कोय, ताते दुख राशि भव वास को निहारिये। एक चित चिन्ह सदा भिन्न पर द्रव्य नीते, अशुचि शरीर में ना पा बुद्धि धारिये। रागादिक भाव कर कर्म को बढ़ावे ताते, संवर स्वरूप होए कर्म बंद डारिये। तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है, ताते जिन धर्म को ना छीना हूँ विसारिये। ताते जिन धर्म को ना छीना हूँ विसारिये। बहुत ही अच्छा छंद लिखा। अब देखते हैं इसमें कैसे कहां कहां पूरी हमारी भावनाएं आ गई। जग है अनित्यता में, तो यहाँ अनित्य भावना, नीचे अर्थ नहीं उसका। जग है अनित्यता में, मतलब कि जग अनित्य है, तो यहाँ पे अनित्य भावना आ गई। शरण न वस्तु कोई, मतलब इसमें कोई भी शरणभूत वस्तु नहीं है, अशरण भावना आ गई। ताते दुख राशि भव वास को निहारिये, अर्थात इसलिए, मतलब जग अनित्य है, अशरण है, इसलिए जो दुखदायी संसार है, भववास है, उसको खत्म कीजिए, ऐसा दूसरी लाइन में कहा, तो ये संसार भावना हो गई। एक चित चिन्ह सदा भिन्न पर द्रव्य नीते, ये अपनी आत्मा की बात आई कि हम एक चित चिन्ह है, एक ये एकत्व भावना, सदा भिन्न पर द्रव्य नीते, हम हमेशा पर द्रव्यों से भिन्न ही है, ये हो गई अन्यत्व भावना। अशुचि शरीर में ना आपा बुद्धि धारिये, उसमें ममत्व बुद्धि मत डालिए, अपनत्व बुद्धि नहीं डालिए, ये हो गई अशुचि भावना। रागादिक भाव करे कर्म को बढ़ावे ताते, हम अनादि से रागादिक भाव कर रहे हैं और कर्मों को बढ़ा रहे हैं, तो रागादिक, ये हो गई आश्रव भावना। संवर स्वरूप होए कर्म बंद डारिये, संवर स्वरूप को धारण कर ये संवर भावना। कर्म बंद डारिये, कर्मों का नाश करिए, ये हो गई निर्जरा भावना। तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है, तीन लोक, ये लोक भावना आ गई। जिन धर्म एक दुर्लभ है, ये बोधि दुर्लभ भावना। ताते जिन धर्म को ना छिना हूं विसारिये, इसलिए जैन धर्म को किंचित मात्र भी, छिन मात्र भी विसारिये मत, व्यर्थ मत जाने दीजिए, अर्थात धर्म भावना। इस प्रकार एक ही छंद में भागचंद जी ने 12 भावनाओं को गर्भित कर दिया। बहुत ही अच्छा छंद यहाँ पर लिखा। एक बार अपन फिर से छंद पढ़ लेते हैं। जग है अनित्यता में शरण न वस्तु कोय, ताते दुख राशि भव वास को निहारिये।
एक चित चिन्ह सदा भिन्न पर द्रव्य नीत अशुचि शरीर में ना पबुद्धि धारिये राग अधिक भाव कर कर्म को बढ़ावे ताते संवर स्वरूप होए कर्म बंद डारिये तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है ताते जिन धर्म को न छिन हो विसारिये ताते जिन धर्म को न छिन हो विसारिये। ठीक है, नीचे कर लीजिए। उक्त छंद पर एक गहरी दृष्टि डालने पर स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि इसमें 12 भावनाओं के चिंतन की मूल धारा पूर्णता समाहित है। वो हमें पढ़ने में ख्याल आ ही गई कि इन पूरे एक ही छंद में 12 भावनाओं का पूरा जो मूलभूत विषय है वो पूरा इसमें आ गया। 12 भावनाओं में समाहित चिंतन प्रक्रिया में भी जो क्रमिक विकास दिखाई देता है उसमें रंच मात्र भी कृत्रिमता नहीं है। मतलब 12 भावनाओं का जो क्रम आज हम पढ़ रहे हैं उनमें भी एक क्रमिक विकास है और उसमें रंच मात्र भी कृत्रिमता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई इलॉजिकल बात हम कह रहे हो, पूरी लॉजिक के साथ उसका क्रम डिसाइडेड है। वो आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार के लॉजिक से वो डिसाइडेड है। अब वो कह रहे हैं, स्टार्टिंग से ही हम ले रहे हैं कि पहली भावना से वो कैसे क्रम डिसाइड हुआ। पुत्र परिवार कंचन कामिनी एवं देह में रथ जगत को इन संयोगों की क्षणभंगुरता अशरणता असारता आदि के परिज्ञान की हेतुभूत 12 भावनाओं की चिंतन प्रक्रिया अपने आप में अद्भुत है। अनित्य भावना में यह बताया जाता है कि जिन संयोगों को तू सदा रहना चाहता है वे क्षणभंगुर हैं, अनित्य हैं। पुत्र परिवार और कंचन कामिनी तेरे साथ सदा रहने वाले नहीं, या तो ये तुझे छोड़कर चल देंगे या फिर तू ही जब नीचे कर लीजिए। या तो ये तुझे छोड़कर चल देंगे या फिर तू ही जब मरण को प्राप्त होगा तब ये सहज ही छूट जावेंगे। इस विषय में कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अनित्य भावना में क्या क्या विषय आता है। अभी विषय की बात नहीं चल रही, अभी वो ये बता रहे हैं कि ऐसा क्रम क्यों रखा गया। तो आगे के पैराग्राफ में अपन पढ़ते हैं। इस बात को सुनकर यह रागी प्राणी इनकी सुरक्षा के अनेक उपाय करता है। जब यह अपने मरणादि को टालने के उपायों का विचार करता है तब अशरण भावना में यह बताया जाता है कि वियोग होना तो संयोगों का सहज स्वभाव है, उन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं है। कोई ऐसी दवा नहीं, मणि तंत्र मंत्र नहीं जो तुझे या तेरे पुत्रादि को मरने से बचा ले। ठीक है, अनित्य आदि भावना में सबसे पहले जीव को यह बताया कि भैया तुम कहां पे ये क्षणभंगुर संयोगों में लगे हुए हो, इन सबको छोड़ो, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये तुमसे भिन्न है। ऐसा जब बताया तो वह रागी जीव सबसे पहले ये उपाय करता है कि भैया इनकी क्षणभंगुरता खत्म करो, इनको कैसे ना कैसे इनको नित्य बना दो, ये हमेशा मेरे साथ रहे ऐसा कुछ बना दो। तो अशरण भावना में कहा अरे छोड़ो ना तुम्हें, मतलब कोई भी ऐसी दवा मणि तंत्र अंतर कुछ नहीं है जो इनको नित्य बना सके, ये हमेशा क्षणभंगुरी रहेंगे। तब यह सोच सकता है कि ना सही ये संयोग, दूसरे संयोग तो मिलेंगे ही। तब इसे संसार भावना के माध्यम से समझाते हैं कि संयोगों में कहीं भी सुख नहीं है, सभी संयोग दुख रूप ही है। मतलब कि फिर ये जीव ये विचार करेगा चलो ये वाले क्षणभंगुर होंगे, कुछ जो जो संयोग मेरे पास है वो क्षणभंगुर होंगे, परंतु अन्य और भी तो संयोग हैं दुनिया में, तो वो तो क्षणभंगुर नहीं होंगे तो मैं उनको पा लेता हूं। तो वो संसार भावना में फिर वो ये बताएंगे कि कोई भी संयोग सुख रूप नहीं है, सारे संयोग दुख रूप है, सारे क्षणभंगुर हैं, सबको छोड़ दो, ऐसा यहाँ पे बताया। अब एक बात यहाँ पे समझने लायक ये है कि यहाँ पे ये लिखा संयोगों में कहीं भी सुख नहीं है, सभी संयोग दुख रूप ही है। तो कभी कभी हम द्रव्यानों के जैसे आप मोक्ष में प्रकाशक भी पढ़ेंगे तो ये हम पढ़ने में आता है कि संयोग ना तो सुख रूप है ना दुख रूप है, क्योंकि संयोग तो बाहर बाहर की चीज है, उसमें हमारा सुख दुख कैसे हो सकता है, संयोग तो वस्तु सिंपल, क्योंकि सुख दुख तो हमारी पर्याय है, संयोग से कभी सुख दुख होता नहीं है।
तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा कि संयोग तो दुख रूप ही है, तो यहाँ पे किसी के मन में ये क्लैश ना आए, तो इसलिए मैं ये बात समझा देना चाहता हूँ कि संयोग तो, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, ना संयोग सुख रूप है ना संयोग दुख रूप है, परंतु मात्र यहाँ पर संयोगों से हमें विरक्ति दिलाने के लिए जो वैराग्य का विषय चल रहा है, इसलिए वहां पर संयोगों में जो एकत्व ममत्वादी भावनाएं उनके प्रति बैठी हुई है, उन बुद्धियों को हटाने के लिए उनको दुख रूप कह दिया है। जैसे कि कहीं कहीं पे तो हम ये कथन पढ़ते हैं जिनागम में कि कर्म है वही आपको सुख दुख उत्पन्न करता है, और कहीं पर हम ये पढ़ते हैं कर्म तो हमसे भिन्न है, कर्म कुछ कर ही नहीं सकता। उसी प्रकार यहाँ पे भी है, संयोग वास्तविकता में तो ना हमें सुख देता है ना दुख देता है, परंतु उनमें जीव की ममत्व आदि बुद्धि बैठी हुई है, इसीलिए उनको दुख रूप कहकर उनसे विरक्ति उत्पन्न करवाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसे लिख दिया कि सभी संयोग दुख रूप ही है। तब यह सोच सकता है कि मिलजुल कर सब भोग लेंगे, उसके उत्तर में एकत्व भावना में दृढ़ किया जाता है कि दुख मिल बांट कर नहीं भोगे जा सकते, अकेले ही भोगना होगा, और इसी बात को नास्ति से अन्यत्व भावना में दृढ़ किया जाता है कि कोई साथ नहीं दे सकता। जब यह शरीर ही साथ नहीं देता तो स्त्री पुत्र आदि परिवार तो क्या साथ देंगे, मतलब कि सबसे पहले क्रम से देखें अनित्य आदि भावना क्यों आई, अनित्य भावना सबसे पहले इसलिए आई क्योंकि सबसे पहले हमने जीव को क्षणभंगुरता बताई, तो जब उसको क्षणभंगुरता पता चली तो उसने उसकी क्षणभंगुरता खत्म करने की कोशिश करी, तो उसको हमने अशरण भावना बताई कि कोई भी मणि तंत्र मंत्र आदि इसकी क्षणभंगुरता खत्म नहीं कर सकते। फिर उसने ये सोचा चलो भैया ठीक है मेरे संयोग क्षणभंगुर होंगे, और भी जो दुनिया में संयोग है वो तो क्षणभंगुर नहीं है, तो संसार भावना में ये बताया कि सारे के सारे जो भोग हैं संयोग हैं वो सब क्षणभंगुर हैं और विरक्ति उनसे लेनी चाहिए, ठीक है सारे संयोग दुख रूप ही है। तो फिर जीव को ये विचार आया कि चलो बहुत सारे मेरे परिवार में तो काफी लोग हैं, तो ठीक है संयोग अगर दुख रूप है तो है, हम आपस में सब कुछ वो बांट बटोर के हम दुख को भोग लेंगे, तो एकत्व भावना में ये बताएंगे कि कोई तुम्हारे साथ दुख नहीं भोगेगा, तुम अकेले ही दुख भोगोगे, और उसी बात को नास्ति से बता दिया कि कोई अन्य दुख नहीं भोगेगा, एकत्व भावना में ये बता दिया कि तुम अकेले ही दुख भोगोगे, ठीक है। अशुचि भावना में कहते हैं कि जिस देह से तू राग करता है वह देह अत्यंत मलिन है, मल मूत्र का घर है। हमने स्त्री पुत्र आदि से तो विरक्ति करवा दी, तो फिर जीव के पास एक बसता है फिर लास्ट में शरीर, जो कि इसका सबसे निकट का पड़ोसी है, तो वो ये सोचेगा कि चलो स्त्री पुत्र आदि तो छोड़ो, बाहर के संयोग है मुझसे भिन्न है, उनसे विरक्ति हो गई, परंतु ये देह तो मेरी है। तो छठवीं अशुचि भावना में उन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि जिस देह को तुम अपना मान रहे हो पहले देख तो लो कि वो कितनी घिनावनी है, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है जो कि इतना घिनावना है, तो उसके बारे में देह की अशुचिता आदि बताकर उससे भी विरक्ति दिलवाएंगे, इसलिए छठवें नंबर पर अशुचि भावना आ गई। तो आज हमने एक जो इनका क्रम है वो इस प्रकार से सेट क्यों है ऐसी हमने आज विषय पाया, ठीक है। आगे की जो छह भावनाएं हैं अब उनका क्रम ऐसा डिसाइड क्यों है कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी का अपन विषय यहीं पे समाप्त करते हैं, यदि कोई आपको डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जावाणी के ज्ञान ते सूझ लो का लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो अरियाणम नमो वज्राणम नमो लोए सव।